हाय गाइस, नमस्ते। मैं सेल्फी श्वेता झा, और आज मैं आप लोगों को वाटरलेस कार क्लीनिंग दिखाने वाली हूँ। ये पूरे वीडियो में आप जो देखेंगे ना, मैक्स टू मैक्स 500 ml पानी यूज होगा। ये गाड़ी कितना गंदा है आप देख लीजिए, इसका चक्का देख लीजिए, इसका टायर देख लीजिए, इसका मिरर देख लीजिए, इसका शीशा देख लीजिए, इसका जो एक्सटीरियर है सारे देख लीजिए, कितना गंदा है। स्पेशली बैक साइड वो तो बहुत ज़्यादा गंदा है, लेकिन ये पूरा कार जो है 5 मिनट के अंदर क्लीनिंग हो जाएगा, वो भी वाटरलेस। वाटरलेस कैसे क्लीनिंग होगा? सिंपली एक केमिकल डाइल्यूट होगा, जिससे क्लीनिंग का काम भी जल्दी हो जाएगा, पानी का इस्तेमाल भी एकदम मैक्स मिनिमम होगा, और आपका गाड़ी का कोई भी पार्ट खराब नहीं होगा। रिजल्ट भी आपको बेहतर आएगा, खराब नहीं आएगा। तो चलिए पूरे प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पे मैंने 500 से 1 लीटर पानी अप्रॉक्स इस कंटेनर में भरने के बाद 20 ml केमिकल ले लिया। अगर आपको ये केमिकल चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी कहाँ से आपको लेना। अभी देखिए, जैसे ही पानी में इन्होंने डाला, उसके बाद अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये क्या कर रहे ना, पूरे गाड़ी का अप टू डाउन सारे जगह पे अच्छे से स्प्रे कर रहे हैं। जैसे ही आप केमिकल को डाइल्यूट कर ले, आप अच्छे से स्प्रे करें। क्या आपको पता है ये पूरे गाड़ी को क्लीनिंग करने के लिए आपको खर्चा कितना होगा? मैक्स टू मैक्स आपको 2 रुपए, मैं भी वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 5 लीटर का कैन खरीदते हैं तो कम से कम आप मिनिमम 1 साल 1.5 साल क्लीनिंग कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से क्लीनिंग करेंगे। ऐसे वो अच्छे से स्प्रे कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका क्या होगा, क्लीनिंग का कॉस्ट भी बच जाएगा, वाटर भी कम खर्चा होगा, और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, जो आपको वीडियो का एंड में आपको दिखेगा। और वीडियो का एंड देख के आपको कैसा लगा रिजल्ट, आप गाइस प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। चलिए अभी मैं अच्छे से स्प्रे कर रहा हूँ ये केमिकल, जो ये भाई साहब है अच्छे से स्प्रे कर रहा है डाइल्यूटेड पानी के साथ, और सारे ऐसे नहीं, ग्लास के लिए अलग, बाहर के सर्फेसिस के लिए अलग। ये देखिए, ये पहले जो है बाहर का सर्फेसिस क्लीन करेंगे गाड़ी का, उसके बाद गाड़ी का अंदर का। बस डिफरेंट ये रहेगा कि गाड़ी को क्लीनिंग के लिए इन्होंने माइक्रोफाइबर क्लोथ जो है 3 इस्तेमाल किया है, एक बाहर का पोर्शन के लिए, एक अंदर का कार क्लीनिंग के पोर्शन के लिए, और एक अंदर का जो पायदानी जहाँ पे हम लोग पाँव वाँव रखते हैं वो जगह को क्लीनिंग करने के लिए इन्होंने 3 अलग अलग माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज किया है। तो आप भी कोशिश करें यही प्रोसेस फॉलो करने का, क्योंकि बाहर का गंदगी और गाड़ी का अंदर का गंदगी में डिफरेंस होता है, और पायदानी का गंदगी और बाहर और इंटीरियर का गंदगी में फर्क होता है, इसीलिए 3 माइक्रोफाइबर। अभी देखिए, स्प्रे करने के बाद ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। स्प्रे करने के बाद इन्होंने वाइप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहां पे एक चीज पक्का याद रखें, जहां पे आपने पहले स्प्रे किया था वाइप भी आप वहीं से करना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा ना, आपको ना 5-10 मिनट छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और अगर आपका गंदगी गाड़ी में बहुत ज्यादा है, अगर आपका डर्ट जो है क्लीन नहीं हो रहा है, उस केस में आप स्प्रे करके कुछ देर तक छोड़ दें, एल्स आपको छोड़ने का जरूरत नहीं है। आप अच्छे से स्प्रे करें, उसके बाद आप जो वाइप करना स्टार्ट कर दें। अभी आप देख रहे होंगे कि उन्होंने जो है अच्छे से वाइप कर रहे हैं, और सारे जगह, ऐसा नहीं ऊपर नीचे, सारे जगह अच्छे से वो वाइप कर रहे हैं। अब इसके बाद वो क्या करेंगे ना, इंटीरियर क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ गाइस, अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो आप मुझे कमेंट करिए, या कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट करें। अभी आप देख रहे होंगे कि ये पायदानी कितना गंदा है, तो ये पायदानी आप सेम जो हमने मिक्सचर बनाया था उसी मिक्सचर से क्लीनिंग होगा, और वो मिक्सचर क्या है, आपको मिक्सर में स्प्रे कर दिया और उन्होंने वाइप कर दिया। अब पूरे गाड़ी का बाहर का सरफेस, अंदर का सरफेस में अच्छे से स्प्रे हो रहा है, स्प्रे होने के बाद आपको वाइप होगा। ये कार क्लीनिंग प्रोसेस फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, जब आप बहुत ज्यादा वाटर से गाड़ी क्लीन होता है, तब आपका गाड़ी का कुछ कुछ पार्ट बहुत टाइम पे खराब हो जाता है, मेरा खुद होके रखा है। तो ये वाटरलेस कार क्लीनिंग करने से ये नहीं होता है, और कहीं ना कहीं हमारा वाटर का भी बचत होता है, तो इन्वायरमेंट को भी हम लोग हेल्प करते हैं। अभी आप मेरा रिजल्ट देखें, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। गाइस, आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज आप मुझे कमेंट करें। आप देख सकते हैं अब मेरे गाड़ी में कहीं पे भी कोई स्पॉट नहीं है, मेरा गाड़ी पूरा क्लीन हो गया है, और अब मेरा गाड़ी चमचमा रहा है, शाइन दे रहा है, राइट। तो अगर आपको भी ऐसे ही अपने घर में क्लीन करना है, तो रोजाना का कार क्लीनिंग केमिकल ऑर्डर करें। ना समझ में आए तो मुझसे पूछ ले, मैं आपको हेल्प कर दूंगी,
और सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपने घरों में इसको इस्तेमाल करें। बस हाथों में ग्लव्स और गॉगल्स पहन लेने का कोशिश करें अगर आपका स्किन सेंसिटिव हो तो, नहीं तो ऐसे कोई इरिटेशन का दिक्कत नहीं होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। मेरा वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।